हमारा घर उजाड़ के सरकार राजी हो गई है, सरकार सुखी नहीं पाएगी बिल्कुल भी। हम गरीब आदमियों के पेट पे लात मार के, यहाँ का जो मुआवजा है मुआवजा तो मिलना चाहिए ना, वहाँ के लोगों को मुआवजा मिल रहा है, यहाँ के लोगों को तो मिलना चाहिए जो गरीब लोग है। कोई भी नेता नहीं आ रहा, ना आम आदमी पार्टी का, ना बीजेपी वाले का, ना कांग्रेस का। आप देखो यहाँ पर अभी एक भी नेता नहीं नजर आ रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, अब कहाँ जाएंगे हम बताओ। ये हमारी दुकानें टूट चुकी हैं, यहाँ पर अब हम कहाँ जाएंगे। MLA यहाँ का तो वो तो बिल्कुल यहाँ आ ही नहीं रहा जी। अच्छा, और वोट के टाइम तो यहाँ पूरी झुग्गियों में दुकानों पर लाइन लगी रहती है वोट मांगने के लिए। तो बेघर कर दिया घर वालों को। अच्छा, अब जाएंगे कहाँ, अब ये सरकार हमें कहाँ भेजेगी। महीने किराया देते थे इसका हम, ये सरकारी जमीन है, हमने जब भी दिया उसके किराया, लेकिन हम जब हम हमारा सामान पड़ा है अंदर, वो कह रहा खाली करो, हम अपने सामान को कहाँ लेके जाएंगे बताओ। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है मेट्रो का जाल फैलते जा रहा है। ऐसा ही जो जाल है साकेत से लेकर तुगलकाबाद तक फैलाया जा रहा है, तुगलकाबाद तक जो है ये पूरा रास्ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो है DMRC यानी कि दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन का जो काम चल रहा है, उसके बीच में यहाँ पे ये जो झुग्गियाँ आ गई थी, आज इसको DMRC के द्वारा बुलडोज़र चलाकर तोड़ दिया गया। क्योंकि उनका कहनाम है साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं ये जो झुग्गियाँ है वो मेट्रो बनाने में, मेट्रो का रास्ता बनाने में दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से इसे सबसे पहले यहाँ पर नोटिस चिपकाई गई। नोटिस में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग खुद से अपने दुकान को, मकान को खाली कर दे, तोड़ दे, अन्यथा DMRC जो है वो पूरी कार्रवाई करेगी और इसको तोड़ देगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो 50 साल से यहाँ पे लोग रहते थे उनका क्या, अब वो लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों से पूरी मामले की जानकारी हम पहुँचाते हैं। ये आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी सर। आपका नाम क्या है? सन्नी। अच्छा, ये बताइए, ये DMRC कह रही है कि हम तोड़ रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, तो इससे क्या परेशानी है? इससे परेशानी नहीं है, तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो जमीन है यहाँ पे गरीब लोगों उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों को कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा, उधर जो बने हुए उनको मुआवजा मिल रहा है 3 लाख रुपये गज के हिसाब से। अच्छा, इसलिए दिक्कत हो रही है, पैसा जाकर जमीन दो या तो कोई दुकान दो। तो अभी तो मैंने एक DMRC के कर्मचारी से बात किया, उन्होंने कहा कि ये जो है ये सरकार की जगह है और सरकार से हमने ले ली। तो अब ये जो लोग जो अपना बात रख रहे हैं वो सरकार के सामने रख रहे हैं? सरकार के सामने रखा है, लेकिन उन्होंने केस हार गए, स्टे दिया था उन्होंने, फिर भी केस हार गए। अच्छा, केस आप लोग हार गए। हाँ। तो फिर तो इसमें कोई नाराजगी आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ का जो मुआवजा है मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। अच्छा। वहाँ के लोगों को मुआवजा मिल रहा है, यहाँ के लोगों को तो मिलना चाहिए जो गरीब लोग हैं। कितने साल से यहाँ पे रह रहे? 60 साल से यहाँ पे, 60 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग है वो लगभग 60 साल से। हाँ जी, नाराजगी हमारी ये है कि आज हमारे पास कोई भी नेता नहीं आ रहा, ना आम आदमी पार्टी का, ना बीजेपी वाले का, ना कांग्रेस का। आप देखो यहाँ पर अभी एक भी नेता नहीं नजर आ रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, अब कहाँ जाएंगे हम बताओ। ये हमारी दुकानें टूट चुकी हैं, यहाँ पर अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा यहीं से कमाना खाना होता है, अब बताओ। ना तो हमारा आम आदमी पार्टी का, वोट के समय यहाँ पर सब आ जाते हैं, बोलते हैं जहाँ झुग्गी भाई पक्के मकान, अब यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, बताओ। अब देख रहे हो हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपकी भी यहाँ पे दुकान थी? दुकान थी। तो ये लगातार जो है अब इन लोगों का आरोप है कि इनके रोजी रोटी पर जो है बुलडोजर चल रहा है। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले? देख, इस तरीके से रहे जी, हमारा जो राजदत्त MLA है यहाँ का तो वो तो बिल्कुल यहाँ आ ही नहीं रहा जी। अच्छा, और वोट के टाइम तो यहाँ पूरी झुग्गियों में दुकानों पर लाइन लगी रहती है वोट मांगने के लिए। तो हम तो सिर्फ यही चाहते हैं केजरीवाल सरकार से कि हमें कुछ तो दो, दुकान दो, कच्चे मकान दो, कुछ तो दो। हम एक दुकान से 20 आदमी खाना खा रहे हैं, आज वो भी हमारा रोजगार चला गया जी हमारे से। तो हमारे MLA जो, वो तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे यहाँ पे आके बिल्कुल भी। सर, कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ से जी कम से कम 40-50 साल हो गए। वोट मांगते वक्त नेताजी ने ये तो नहीं कहा होगा कि आप झुग्गी में रहते हैं, वोट मत देना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब तो वोट चाहिए वोट दिया सबों ने। लेकिन आज कोई आपसे मिलने नहीं आया? आज कोई भी नेता नहीं आया, ना बीजेपी का, ना हमारा MLA, आम आदमी का, जिदत
अजय जितने तो ये लगा लो बिल्कुल ही यहाँ पे वो कर रखा है। आज कोई आदमी रो रहा है क्या है क्या, किसी पे दिक्कत नहीं है आज के टाइम पे, हमें इससे हमें पता पड़ता है कोई भी नेता नहीं एक भी नहीं आया। तो हम तो केजरीवाल सरकार से यही दुआ करते हैं कि हमें दुकान दो या कच्ची मकान दो, कुछ तो दो कम से कम, मतलब रहने के लिए कुछ ना कुछ सही बंदोबस्त करना चाहिए ना। अब ये घर पे रोड पे बैठे रहेंगे कब तक बैठे रहेंगे? मतलब सर आपका जो रोष है जो आपका गुस्सा है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ सरकार पे है। देखो ये तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, मेट्रो में तो कुछ नहीं होता, मगर हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं केजरीवाल सरकार से कि पक्के मकान दे दो, कम से कम कच्चे मकान दे दो, जो भी है दुकान दे दो। तो केंद्र सरकार का सर, केंद्र सरकार का एक वादा था आम लोगों से कि जहाँ झुग्गी वही मकान, तो यहाँ पे तो झुग्गी थी, यहाँ पे क्या मकान मिला? सर कुछ नहीं मिला यहाँ। केंद्रीय सरकार तो ये लगा लो गरीब आदमियों के लिए जीरो है, केंद्रीय सरकार तो गरीब आदमियों के लिए जीरो जी। अच्छा केंद्रीय सरकार तो कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही केंद्रीय सरकार, तो जीरो है जी। गरीब दिल्ली सरकार तो बैठा दिया अब, दिल्ली सरकार सब कुछ कर रही थी मगर अब ये भी छीन लिया, ये भी छीन लिया जी। अभी हम यही दुआ कर रहे हैं केजरीवाल जी से कि पक्के मकान वकान कच्चे कुछ तो दो। अब ये रोड पे बैठ गए सारे के सारे, ये कहाँ पे खाएंगे कहाँ रहेंगे अब? अब कोई तो नेता वोट मांगने आएगा, किसी नेता को वोट नहीं मिलेगी अब। मेरी बात सुनो, बताइए। ये हमारा बचपन सारा यहीं बीता है, हम यहीं पैदा हुए हैं, आज हम बचपन से इतनी उम्र हो गई है, इन झुग्गियों को हो गए 55 साल। अच्छा। और जो ये रोड देख रहे हो ना आप, ये रोड नहीं था, सिंगल रोड था वहाँ, ये सिंगल रोड था, ये काफ़ी साल हो गए इन बातों को। ये हमारा पहले बंजारा कैंप था। अच्छा। पहले पीछे की झुग्गियाँ नहीं थी, सर्कस लगते थे हमारे यहाँ पे, अभी हमारा बंजारा कैंप था। सर ये बताइए क्या आपके झुग्गी में पानी बिजली ये आते हैं? हाँ ये तो सब कुछ है यहाँ पे। इसके बिल भी आप लोग भरते, बिल भरते हैं? इसका बिल आता है, कभी किसी का आता है किसी का आता नहीं है, ऐसा है। तो ये झुग्गियाँ काफी पुरानी है हमारे यहाँ की, अब ऐसा क्या नाम, जब ऐसा जब सरकार इसे तोड़ रही है तो सरकार को यार कुछ देना तो चाहिए, अभी थोड़ना बहन जो क्या नाम की कुछ भी ना मिले सरकार के। अच्छा सर आप तो काफी पुराने हैं, अभी एक युवक यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे जो है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे उस तरफ जो है लोगों को 3 लाख रुपए ऐसे कुछ हिसाब से दिया जा रहा है मुआवजा, तो आप लोगों को मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। अच्छा। मुआवजे का तो कोई नाम ही नहीं होगा, यहाँ तो खाली तोड़ रहे हैं कुछ, सब कुछ तोड़ दिया यहाँ पे, अब बेघर हो गए सारे यहाँ पे। अब ये बताओ छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे इनको, आज की झुग्गियाँ नहीं है, पूरी दिल्ली में सबसे पुरानी झुग्गी यही है। अच्छा। हाँ जी सबसे पुरानी झुग्गी है ये, 55 साल हो गए इनको हमारी यहीं की है। अरे हम इतने बहन उम्र होगी, हमारे बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चे हो गए, तो ये देखो ना तो हम कितने पुराने हैं यहाँ पे। सबसे पुरानी झुग्गी है ये, पहले तो था ये बंजारा कैंप। अच्छा। आर्यन कैंप के नाम से मशहूर है, पहले बंजारा था यहाँ पे, हमारा बंजारा समाज ही था यहाँ पे। अच्छा। तो ये बंजारा ही थे सारे यहाँ पे पहले, क्योंकि झुग्गी जो शुरुआत में डाली थी ये सारी बंजारों ने डाली थी, और कोई बरादरी नहीं थी, खाली बंजारे ही आए थे। फिर हम सोचे यार क्या, चल गरीब जो भी आया तो हमने उनको बसाया कि भाई थोड़ी आबादी बढ़ जाएगी, तुम पीछे अपने बना लो। तो पीछे सर्कस लगते थे पहले यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं था, खाली मैदान था पीछे। तो आज ये हाल कर दिया यहाँ पे, बेघर कर दिया पे। हाँ जी बेघर कर दिया घर वालों को। अच्छा, अब जाएंगे कहाँ? अब ये सरकार हमें कहाँ भेजेगी? देख सकते हैं किस तरह से जो है जी। इससे पहले यहाँ पे पहले निगम पार्षद लड़े थे संजय चौधरी जी, वो हार चुके थे, अब की बार टिकट नहीं उनकी, उनको लेके भी गए थे संजय सिंह के पास, आश्वासन दिया था कि हाँ हम कुछ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अब ये कुछ नहीं हुआ। यहाँ बहुत कुछ अवैध है। क्या चीज़ है सर बताइए? बहुत सी रोडों पे बैठे हुए लोग रेडिया लगा रहे, पट्टी लगी, अवैध नहीं है, सब अवैध है, लेकिन लोगों को 60-60 साल हो गया बैठे हुए, और 60 साल पे कुछ तो रहम करना चाहिए था गवर्नमेंट को, कुछ तो रहम करना चाहिए था, मेरे एक चुटकी रहम कर लेते, कुछ ना कुछ कहते, कंपनसेशन दे देते, कुछ भी दे देते, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। मुझे, मैं आपको ऐसी पूरी दिल्ली अवैध है मेरे हिसाब से तो। अच्छा। नहीं आपको क्या लगता है? हर जगह चौराहे पर देख लो जाम है, ट्रैफिक है, और लोग जगह घेर घेर के बैठे, नहीं बैठे। अच्छा सर ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे मेट्रो बन जाती है तो प्रॉफिट फिर यहाँ रहने वाले लोगों को ही होगा? नहीं नहीं प्रॉफिट तो होगा, लेकिन प्रॉफिट के किसी को, मैं मानता हूँ जनता के लिए सब कुछ सौंप, जो मर्जी तोड़ दो जनता के लिए, जनता के फेवर में आनी चाहिए बात, लेकिन इसका मतलब है थोड़ी है कि उनको कुछ कंपेंसेशन ना मिले, थोड़ा बहुत भी खर्चा ना मिले। मोदी सरकार गरीब आदमियों को दिल्ली से हटाना चाहती है, सारी सच्चाई यही है। धीरे 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 गरीब आदमियों को वोट के टाइम आ जाते सब, मगर धीरे धीरे सब झुक गए, गरीब आदमियों को मोदी सरकार हटाना चाहती है, कोर्ट इनके सरकार। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो लगातार यहाँ पे रहती थी, उन लोगों से बातचीत करते हैं। माता जी आपका नाम? मूर्ति। हाँ जी मूर्ति।
आप यहाँ पे कब से रह रही है? मैं तो शुरू से ही रह रही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा चालो भी यही हुए है। और क्या नाम है, 18 साल से दुकानें हो गई, किराए पर रह रहे हैं, ना तो इन्होंने कुछ दिया ना कुछ कर। ये बताइए, आज आपके यहाँ जो है घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं बोला, ना कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया, सही चला दिया है, सामान भी मुश्किल कारण दिया, फटाफट कर दिया है। और मैंने 9 लाख रुपया दे दिया, लेकिन लड़ाई कर ली मालिक। ये हाथ भी आपका फूट गया, कैसे? उसने मारा मालिक। उसने मारा आपको? जो मालिक है ना, जो दुकान का सरकारी है, खाली करो आप। अच्छा। मैंने 9 लाख रुपया दे दिया, फिर भी खाली कर। आपने 9 लाख रुपए दिए थे? सरकारी में। अब फिर मानते कुछ भी नहीं दिया। 5,000 रुपये महीने देते थे हम, 5,000 रुपये महीने किराया देते थे इसका हम। ये सरकारी ज़मीन है, हमने जब भी दिया उसके किराया, लेकिन हम जब हमारा सामान पड़ा है अंदर, वो कह रहा खाली करो, हम अपने सामान को कहाँ लेके जाएं ये बताओ। तो हम अगर नहीं उठा रहे तो हम पे ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। किसके द्वारा ईंट पत्थर बरसाए गए? वह मकान मालिक बरसा रहा है। अच्छा। ठीक है, हम ये सामान लेके कहाँ जाएं ये बताओ। हमारी किराए की दुकान है, हमने किराया भी तो दिया है। आप, ये तो सरकारी ज़मीन है, तो इसमें तो फिर भी हमने किराया दिया, हमने कोई फ्री का मैट का खाया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से भगाया जा रहा है और ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। बताइए हम क्या करें। हम जरा सोचिए कि ये लोग अपने ही देश में, वो भी सरकार के ज़मीन पर बैठकर, और ये जो सरकार के दलाल बने हैं वो लोग आकर यहाँ पे इन लोगों से किराया लिया जाता है, इनको जो है यहाँ पे दुकान दिया गया था, और ये लोग लगातार जो है हर एक महीने किराया दे रहे थे, जिसके बावजूद आज जब बात हुई तो इनके ऊपर पत्थर 9 लाख रुपया दे दिया और फिर भी मार तोड़ हम लोगों को यहाँ पे। अच्छा। 20 साल से हम ये लोग यहाँ पे ही हैं, हम छोटे छोटे थे जब से हम यहाँ पे हैं, और आज कह रहे खाली करो नहीं तो सामान उठा के फेंक देंगे। हम कहाँ लेके जाएं अपने सामान को? अब सामान फेंक देंगे तो कहाँ ले जाएं? यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, वो लगातार कह रही कि 20 साल 25 साल से रही, लेकिन इसमें कुछ एजेंट भी हैं जो लोग यहाँ पे कच्ची मकान बनाकर और इन जैसे महिलाओं को वो किराए पे दे देते हैं, और किराए पे देने के बाद इन लोगों से ही पैसे का उगाही करते हैं, और आज जब बुलडोजर चल रहा है तो इन लोगों से ही वो दुकान खाली करने को कहा जाता है, और इन्होंने जब खाली करने से मना किया तो इनके ऊपर पत्थर चला गया। ये देखिए, इनके हाथ भी यहाँ पे फूट गई है। हालांकि इन्होंने अभी तक किराए के रूप में 9 लाख रुपए जमा करा चुके हैं, फिर भी आज इनके साथ वही हुआ जो दिल्ली के झुग्गी में और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के साथ होता है। अब इनका सवाल एक ही है कि कौन इनके पैसे की भरपाई करेगा, कौन वो 9 लाख रुपए लौटाएगा जो खाया है, कहां से आएंगे वो पैसे। यहां पे और भी तमाम महिलाएं हैं, उन लोगों से भी जानकारी हम पूरी जुटाते हैं। मेरा नाम सरोज बाला है। अच्छा, ये बताइए आप कब से यहाँ रह रही? हमने तो हमारा तो जन्म इधर का ही है। अच्छा। हमारा जन्म यही का ही है, हमारे माँ बाप 20 साल हो गई दुकान करते करते। इसमें 5,000 रुपये महीने बिल भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, सब चीज़ देते हैं। अब ये बताओ कैसे खाली कर देंगे दुकान को? अगर बोल रहे हैं कि हम नहीं खाली कर रहे तो हमारे पर ही पत्थर बरसा रहे, इधर मारा मेरे इधर भी फेंका। अच्छा, ये बताइए, ये जो ईंट पत्थर चलाया गया है, क्या वो सरकारी आदमी के द्वारा चलाया गया? सरकारी आदमी नहीं है, जो इस दुकान का मालिक है वो चला रहा है। हमारे पर क्यों चला रहे हैं जी? हम नहीं कर रहे खाली, हम कहाँ जाएंगे सामान लेके? हम कहाँ पर जाएंगे? रोज की खाने वाले कमाने वाले हैं हम, घड़े बेचते हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की दुकान है, हम तो कहाँ जाएंगे इनको उठा के? बात बताइए, जब आप लोगों ने यहाँ पे दुकान लिया था तो आप लोगों से पेपर नहीं बनवाया आप लोगों ने? नहीं, कोई पेपर नहीं बनवाया। हर महीने आते थे, किराया लेके चले जाते, किराया देते हैं और बिल भी देते हैं, जो बिल आता है हम खुद भरते हैं। अब बताओ कैसे खाली कर देंगे? 9 लाख 20 साल में अगर 5,000 रुपये से लगाओ कितना बैठता है घर में? 9 लाख के आसपास बैठता है ना, तो फिर अब कहाँ से खाली कर दें? कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे बच्चे, उनको कहाँ लेके जाएंगे? तो मतलब आपने अभी तक 9 लाख रुपए दे दिया उनको? दे दिया, फिर भी उसमें ये हमारे ऊपर पत्थर मारने के लिए तैयार और पत्थर बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। अच्छा, और क्या? तो अभी आप क्या चाहती? अब ये चाहते हैं अब ये बताओ ये जमीन किसकी रह जाएगी? ये टूटने के बाद में सरकारी जमीन है तो इसका क्या, कोई क्या लेगा इसका? क्या लेगा? कोई कुछ नहीं लेगा ना, तो फिर हमारे ऊपर क्यों पत्थर बरसा रही है लोग? ये इसको खाली
करो, जब सरकारी जमीन है तो हम कैसे खाली कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है, यहाँ पे एक बार और तस्वीर दिखाइए यहाँ से किस तरह से जो है, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो के द्वारा लगातार यहाँ पे 3 बुलडोजर मंगाए गए हैं और तीनों बुलडोजर से जो है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये अवैध जगह थी उन सबको तोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ पे जो है मेट्रो लाइन को पूरा बिछाया जाए और यहाँ पे लोगों के लिए ही वो सुविधा कहीं ना कहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो आम लोग हैं, आम महिलाएं हैं, जो लोग यहाँ पे झुग्गियों में गुजर बसर करते थे, जो लोगों ने यहाँ पे अपनी दुकान खोली थी, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, अब उनकी रोजी रोटी किस तरह से चलेगी? हो गई है, हमारा घर उजाड़ के सरकार राजी हो गई है, सरकार सुखी नहीं पाएगी बिल्कुल भी। हम गरीब आदमियों के पेट पे लात मार के आगे, समझ में वादा करके पीछे हट गई, क्यों हटी है पीछे, जबान नहीं है, इतने दिन से हम चक्कर काट रहे हैं। माता जी आप लोग कब से रह रही हैं? 70 साल पुराने हो गए हम यहाँ पे, आगे सुन मैं, सास हमारी सास भी है, हम भी सास, हमारे भी पोता पोती है, आगे सुन मैं, ये हमारे बच्चे, इनके भी बच्चे हैं, इनको कहाँ लेके जाएंगे, घर बसा के बैठे हम लोग, कहाँ लेके जाएंगे बताइए ना, कहाँ लेके जाएंगे हम। लेकिन ये लोग, इन लोगों से हमने बातचीत की तो हमने बोला कि कम से कम इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा मेट्रो वाले ने बोला था और मुंह कहना मना कर दिया। अभी मैंने मेट्रो वाले से पूछा तो वो कहता है कि हमने सरकार को मुआवजा दे दिया है। मैं नहीं पता, हमारे से वादा किया तो हमारे को देते ना, हमारे से वादा किया तो हमारे को देते हैं, तो हमारे को क्यों नहीं दिया फिर, सरकार को दिया था हमें क्या फायदा? मिला हो ना मिला हो, हमें नहीं मिला मुआवजा। हमें पता नहीं सरकार को मिला या नहीं मिला, मगर हमें नहीं मिला। अभी अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तो मुआवजा चाहिए हमें, मुआवजा चाहिए हमें, दुकान नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए हमें तो खाली। तमाम लोग हैं जिनका यहाँ से रोजी रोटी चलता था, अभी देखे नहीं है, फिर कुछ नहीं मिला था क्या फायदा है? हैं किराए पे रह रहे हैं, वो भी नहीं, वो भी भाड़ू रहने ही नहीं दे रहे, तो क्या करें, मार तोड़ हो रही है। तो ये तमाम महिलाएं हैं यहाँ पे किस तरह से जो है अपना रोजी रोटी चलाती थी, लेकिन आज इनके रोजी रोटी पे, इनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि लगातार जो है DMRC का ये लगातार कहना है कि ये जो है अवैध थे और इन्होंने कोर्ट में नोटिस डाली थी, कोर्ट से इसके बाद यहाँ के लिए ऑर्डर आया था और केस भी चल रहा था, जिसको लेकर यहाँ पे केस को हार गई और DMRC जीत गई, जिसके बाद यहाँ पर DMRC ने अपनी कार्रवाई के लिए बुलडोजर चलवा दिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, संगम विहार, दिल्ली अप टू डेट।